नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान दिया कुमारी ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे 27 राज्यों के खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई उदयमान खेल प्रतिभा योजना, फिट इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया विशेष क्षेत्र खेल योजना, ओलंपिक पोडियम योजना जैसे कई योजनाओं से प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलों का महामंच मिला है। उनके प्रयासों से देश प्रदेश के होनहार और हुनरमंद युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। आज युवा खेलों में भविष्य निर्माण के साथ साथ अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस दौरान शासन सचिव स्कूल शिक्षा राजस्थान श्री नवीन जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रीड़ा भारती श्री गोपाल जी सैनी, राजस्थान संयोजक क्रीड़ा भारती, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री काना राम जी, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र हंस जी भी मौजूद रहे। कंट्री के लिए आपने पूरे विश्व स्तर पे अपना नाम रोशन करना है। इस ड्रीम को कभी मत भूलिएगा, इस गोल को हमेशा पीछे, इस गोल को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यही चीज है जो आपको आगे ले जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी यहाँ पर बेटियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप अपने मन से पार्टिसिपेट कर रहे हो। जब आप मैच खेलते हो तो मुझे लगता है कि आप हर प्रकार से तन मन से आप लोग उसमें पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलते हैं। इतना कॉन्सेंट्रेशन शायद जब आप मैथ्स पढ़ रही होती है, साइंस पढ़ रही होती हो तो नहीं होता हो। तो ये आपका ड्रीम है, सो फॉलो योर ड्रीम्स, नेवर फॉरगेट, ये आपका सपना है और यही आपको आगे ले जाएगा। सपने को कभी मत भूल और हमेशा हमेशा अपने मन की सुनना, दिल की सुनना, क्योंकि दिल और मन कभी झूठ नहीं बोलता। तो एक गट इंस्टिंक्ट होता है जो मन की बात, दिल की बात होती है, उसको हमेशा आपको सुनना है और उसको फॉलो करना है, वो हमेशा आपको सही दिशा में ले जाएगा।